गाइस, सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 रिटन बाय अल बसोर ईस्टर। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, जो पहला पीरियड था वो एक स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी है वो अपने लेसन प्रिपेयर करने का ट्राई कर रही है। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, पर वो अपने काम में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके स्टमक में, उसके पेट में नीचे काफ़ी sick feeling है, यानी वो काफ़ी बुरा फील कर रही है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो मैगी के वांडा के फादर हैं जैन पेट्रोनोस की, उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसे जो मिस मैसन हैं उन्होंने पढ़ के क्लास में सुनाया है। उन्होंने लेटर में लिखा था, उन्होंने नोट में लिखा था कि डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि डियर टीचर मेरी वेंडा है जो वो अब स्कूल नहीं आएगी कभी भी। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा। वी नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ मूव कर रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, अब कोई भी शाउट नहीं करेगा पोलक कह के, क्योंकि वो पोलिश लोग हैं, उनकी जो एथनिसिटी है, उनकी जो नस्ल है वो पोलिश है। वो पोलैंड के रहने वाले हैं और माइग्रेंट होके, इमिग्रेंट होके अमेरिका में रहने के लिए आए थे, तो उन्हें लोग पोलक कह के चिढ़ाते थे क्योंकि वो पॉलिश हैं। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई नहीं पूछेगा कि इतने फनी नेम क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, जो बड़ा शहर है वहाँ प्लेंटी ऑफ फनी नेम है, यानी काफ़ी फनी नेम है वहाँ पे। योर ट्रूली जैन पेट्रोनोस्की, आपका जो ट्रूली जैन पेट्रोनोस्की, तो ये वेंडा पेट्रोनोस्की के फादर हैं। उन्होंने लेटर लिखा है कि इनकी जो डॉटर है वेंडा, उसको सब चिढ़ाते हैं क्लास में, तो अब हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं बड़ी सिटी में, तो अब वेंडा कभी भी स्कूल नहीं आएगी। तो इस बारे में जब मैडी को पता लगा तो मैडी को काफ़ी बुरा फील हो रहा है। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, तो जब कोई बुरा फील करता है तो उसके स्टमक में उसे बुरा फील होता है इस टाइप से। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट में नीचे उसे काफ़ी बुरी फीलिंग हो रही है। ट्रू शी हैड नॉट इन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, ये सच बात है। ट्रू शी हैड नॉट इन्जॉय, कि उसने कभी भी इन्जॉय नहीं किया था लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा, जब पैगी वांडा से पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, तो जब पैगी वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारी जो अलमीरा है उसके अंदर कितनी ड्रेसेज हैं, तो ये सब बात कभी इन्जॉय नहीं की थी मैडी ने, तब उसको काफ़ी बुरा लग रहा है, उसे गिल्टी फीलिंग हो रही है। तो जब गिल्टी फीलिंग होती है तो ये इसमें ये कहा गया है कि उसको अपने जो स्टमक है उसमें से एक फीलिंग हो रही है। बट शी हैड सैड नथिंग, पर उसने कुछ भी नहीं कहा था। बट शी हैड सैड नथिंग, पर जो मैडी है जब वो देखती थी कि पैगी है वो वेंडा का टीज कर रही है, उसको काफ़ी प्रैंक कर रही है, उसके साथ उसको छेड़ रही है, तो उसको कभी भी उसका उसकी हेल्प नहीं की। बट शी हैड सैड नथिंग, उसने कभी भी कुछ नहीं कहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो बिल्कुल साइलेंटली खड़ी रहती थी वहाँ पे उसके साथ में। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा था जितना पैगी ने किया था। यानी मैडी को गिल्टी फील हो रहा है कि पैगी उसके साथ जब बुरा करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी वांडा का, तो वो वहाँ पे सीधी साइलेंट खड़ी रहती थी बिल्कुल, और उसने कुछ हेल्प नहीं की थी उसकी। तो वो कह रही है कि एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, ये उतना ही बुरा था साइलेंटली खड़ा रहना जितना कि पैगी बुरा कर रही थी। वर्स, यानी और उससे भी बुरा। शी वॉज ए कावर्ड, मैडी फील कर रही है कि ये तो उससे भी बुरा था। शी वॉज ए कावर्ड, वो एक कायर थी, कावर्ड थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर दे वर बींग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। तो मैडी सोच रही है कि शी वॉज ए कावर्ड, की वो कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर दे वर बींग मीन, कि कम से कम जो पैगी है वो ये तो नहीं देख रही थी या ये तो नहीं सोच रही थी कि वो बुरा कर रहे हैं या मीन उसके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं वांडा के साथ। बट शी मैडी, पर जो मैडी थी वो तो ये सोचती थी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, तो मैडी थी वो तो ये सोच सकती थी कि वो उसके साथ बुरा कर रहे हैं, या वो सोच रही थी ये बात। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज, अब मैडी सोच रही है कि वो अपने आप को वांडा के शूज़ में रख कर सोच सकती थी, यानी शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज़। तो ये पुट हरसेल्फ इन हर शूज़, ये एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है कि अपने आप को आप दूसरे की जगह में रख कर सोचें, यानी आपको उस सिचुएशन में फील करें जिसमें वो दूसरा व्यक्ति है।
तो यहाँ पे मैडी सोच रही है कि वो अपने आप को वांडा की जगह रखकर सोच सकती थी कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा अगर मेरे साथ कोई इस तरीके से बिहेव करे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। पर ये मैडी ने कभी किया नहीं, कभी सोचा नहीं ऐसा। गुडनेस, वाजन देयर एनीथिंग शी कुड डू। तो वो अब कह रही है कि हे भगवान, क्या ऐसा कुछ नहीं है कि वो कर सकती है। वाजन देयर एनीथिंग शी कुड डू, या अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर सके। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। तो मैडी सोच रही है ऐसा कि इफ ओनली शी कुड टेल वांडा, कि अगर वो वांडा से बता सके या कह सके उसे, शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि उसका जो मैडी का कोई भी उद्देश्य उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाह, यानी वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी वांडा की। शी टर्न अराउंड एंड स्टॉल ए ग्लैंस एट पैगी। अब जो मैडी है वो पीछे घूमी, शी टर्न अराउंड, वो थोड़ा पीछे घूमी, एंड स्टॉल ए ग्लैंस एट पैगी, और उसने चुपके से पैगी को देखा। बट पैगी, ग्लैंस होता है देखना किसी को, स्टॉल मीन्स होता है बिल्कुल चुपके से देख लेना या एक नज़र चुराना, उड़ती उड़ती नज़र डालना। ग्लैंस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। पर पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही है, यानी स्टडिंग हार्ड, वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब मैडी सोच रही है कि अच्छा, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, कि चाहे पैगी को बुरा फील हो या ना हो, यानी पैगी बुरा फील करे इस बात के बारे में या ना करे, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, यानी मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोनोस्की, उसे वांडा पेट्रोनोस्की को फाइंड करना होगा, उसे ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी मूव अवे ना किए हों, यानी वो ये शोर शहर छोड़ के ना गए हों, शिफ्ट ना किया हो उन्होंने। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइस्ट विद हर, हो सकता है कि पैगी उसके साथ जाए और वो जो पहाड़ी जहाँ पर वो वांडा रहती है, वांडा पेट्रोनोस्की, वहाँ पर उसके साथ चढ़े, जो हाइट्स हैं। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो वेंडा को बताएं जाके कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेज वर ब्यूटिफुल, और वो उसे बताएं कि वो सोचते थे कि वो वेंडा है वो स्मार्ट हैं और उनकी जो 100 ड्रेसेज हैं वो भी काफ़ी ब्यूटिफुल थी। सो ओरल कम्प्रहेंशन चेक, ये हम देख लेते हैं आज। वाट डिड पेट्रोनोस्की इस लेटर से, तो पेट्रोनोस्की के लेटर में क्या था वो हमने अभी पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हम अब यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, एक बड़े शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी फ़नी नेम्स होंगे और कोई भी हमें पोलक कह के नहीं चिल्लाएगा, और जो मेरी वेंडा है और जेक है वो अब स्कूल नहीं आएंगे। तो ये सब उसके लेटर में था। इज़ मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और शी अनहैप्पी एंड अपसेट। तो मिसिज मैसन थी वो एंग्री नहीं थी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि किसी ने भी उनका इस तरीके से जानबूझ के मजाक उड़ाया होगा, तो वो थोड़ी अनहैप्पी और अपसेट तो थी। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर। अब मैडी को कैसा फील हुआ जब उसने जो वेंडा के फादर का लेटर था वो सुना था, तो मैडी को काफ़ी बुरा फील हुआ था। वो कह रही है कि पैगी तो उसके साथ बुरा कर ही रही थी, वेंडा के साथ, पर वो चुपचाप खड़ी रहती थी खुद, तो वो उससे भी बुरा था, वो एक कावड़ थी, एक कायर थी, वो उसने कुछ नहीं किया था। वाट डज मैडी वॉन्ट टू डू, अब मैडी क्या करना चाहती है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। मैडी उससे माफ़ी मांगना चाहती है और कहना चाहती है उससे कि उसकी कोई भी फीलिंग हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी, मैडी की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो वांडा की फीलिंग हर्ट करे, और वो उसे बताना चाहते हैं कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है और उसकी जो 100 ड्रेसेज हैं वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। वेन स्कूल वाज डिसमिस इन द आफ्टरनून, जब स्कूल की छुट्टी हुई आफ्टरनून में, या डिसमिस हो गया स्कूल, पैगी सैड, पैगी ने कहा, व्हाट प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। तो पैगी ने ये कहा, प्रिटेंडेड होता है कि नकली तरीके से कहना या कुछ बनावटी तरीके से जो कि सच ना हो, नॉट ट्रू। कैजुअलनेस होता है बिल्कुल कैजुअली, एकदम केयरलेसली कहना। तो पैगी ने बनावटी तरीके से कहा, बिल्कुल कैजुअल वे में, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। तो उसने मैडी से ये बात कही है कि हे चलो देखते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो वहाँ जाते हैं, एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, और देखते हैं कि उस बच्ची ने या उस जो वेंडा है उसने शहर छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेफ्ट टाउन यानी टाउन जो कस्बा होता है। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, मैगी ग्लोड। तो मैगी थी वो काफ़ी हैप्पी होगी, ग्लोड होता है मतलब बिकम हैप्पी, खुश हो जाना। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, तो अच्छा पैगी को भी सेम ही आइडिया था जैसा मैं सोच रही थी, ऐसा मैगी सोच रही है, मैडी सोच रही है, और वो खुश हो गई है।
पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैगी काफ़ी ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो जो दोनों लड़कियां हैं यानी पैगी और मैडी, वो जल्दी से स्कूल की बिल्डिंग से निकली अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन हाइट, और वो जो स्ट्रीट जाती है बोगिन हाइट की तरफ, उस और ऊपर की तरफ निकलनी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, अब उस पार्ट ऑफ के टाउन में पहुंच गई थी यानी शहर के उस कोने में वो पहुंच गई थी जहां पे फॉरबिडिंग एयर होती है यानी जो बुरी हवा होती है, वेरी बैड स्मेल की और इस तरीके की हवा चल रही होती है। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, कि ये जो नवंबर नवंबर का महीना चल रहा है और इसकी जो दोपहर है उसमें इस टाइप की हवा चलती है वहाँ पे, फॉरबिडिंग एयर यानी वेरी बैड। नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिसमिसल, ड्रिजली होता है जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, बारिश हो रही हो थोड़ी थोड़ी, और जो डैम्प एंड डिसमिसल मीन्स है वेट एंड सैड, हेयर एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस। तो ये काफ़ी जो बुरी फीलिंग आए जिस मौसम को देख के, आपको वेदर को देख के, तो डैम्प एंड डिसमिसल मीन्स वेट एंड सैड है। तो द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर, तो वो अब शहर के उस कोने में पहुंच गए थे जहाँ पे फॉरबिडिंग एयर होती है यानी बुरी हवा चलती है। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, नवंबर के की दोपहर के इस टाइम में ड्रिजली डैम्प एंड डिसमिसल यानी हल्का बूंदाबांदी हो रही होती है, और उनके जो वेदर होती है वो वेट एंड सैड होती है यानी गीला सा मौसम होता है, मौसम में नमी होती है, ह्यूमिडिटी। वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, तो पैगी ने ये बात कही है। अब ग्रफली मीन्स होता है अनफ्रेंडली या अनमने तरीके से, यानी जो वो कहना नहीं चाहती ये बात फिर भी वो कह रही है। सो वेल एट लीस्ट, तो पैगी कह रही है कि अच्छा कम से कम, सैड पैगी ग्रफली मीन्स अनहैप्पीली उसने कही है, अनफ्रेंडली ये बात कही है। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने कभी उसे फॉरेनर तो नहीं कहा था। तो पैगी कह रही है कि जो मैंने वांडा का मजाक उड़ाती थी, तो मैंने कभी उसे फॉरेनर या विदेशी तो नहीं कहा था, फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी, और मेक फन ऑफ हर नेम, और मैंने कभी उसके नाम का तो मजाक नहीं उड़ाया था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, तो पैगी कह रही है कि आई नेवर थॉट, कि मैंने कभी नहीं सोचा था, शी हैड द सेंस, कि उसमें इतनी भी बुद्धि है टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी बुद्धि है कि वो इतना समझ पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एनी वे आई थॉट शी वॉज टू डम, मैं सोचती थी कि वो टू डम्ब है यानी काफ़ी मूर्ख है, डम्ब होता है जो बोलता नहीं है बिल्कुल भी, मूक बधिर होता है, जो डीफ एंड डम्ब जैसे गूंगा और बहरा। सो डम्ब मीन्स गूंगा भी होता है और मूर्ख भी होता है बिल्कुल, जिसमें माइंड की कमी हो। आई थॉट शी वॉज टू डम्ब, तो पैगी कह रही है कि मैं सोचती थी कि वो बिल्कुल मूर्ख है। एंड घी लुक हाउ शी कैन ड्रो, तो एंड घी, घी होता है एक एक्सप्रेशन होता है, जब आप कभी वंडर या सरप्राइज मीन्स काफ़ी आप अच्छा फील करें। तो जो पैगी है वो कह रही है एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रो, तो वो वंडर करते हुए वो सरप्राइज होते हुए थोड़ा कह रही है कि लुक हाउ शी कैन ड्रो, कि देखो वो कितना अच्छा ड्रो कर लेती थी यानी वो कितनी अच्छी ड्राइंग बना लेती थी। तो ये तो हमने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था या ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा। तो मैडी कुड से नथिंग, अब मैडी थी वो कुछ भी नहीं कह पाई पैगी की ये बात सुन के। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, तो वो बस इतनी ही उम्मीद कर रही थी या बस वो इतना ही सोच रही थी, इतनी ही होप कर रही थी, विश कर रही थी कि वो वेंडा को पालें यानी वेंडा को वो ढूंढ लें। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, तो वो मैडी है वो सिर्फ उससे इतना ही कहना चाहती थी कि शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, कि उन्हें दुख है दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसका उसके साथ मिसबिहेव किया है। पिक्ड मीन्स मिसबिहेव करना, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। तो मैडी ने वेंडा की मैडी ने पैगी की कोई भी बात नहीं सुनी, कुड से नथिंग, वो कुछ भी नहीं कह पाई, वो सिर्फ इतनी विश कर रही थी, होप कर रही थी कि वो वेंडा को ढूंढ लें और वो उससे ये कह पाए, शी वो उससे ये कहना चाहती थी, शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, कि उन्हें दुख है दे हैड पिक डॉन हर, कि उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और वो उसे बताना चाहती थी कि हाउ वंडरफुल, कि कितना द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा स्कूल उसके बारे में सोचता है कि वो कितनी वंडरफुल है यानी कितनी शानदार है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और वो उससे कहना चाहती थी कि प्लीज़ नॉट टू मूव अवे यानी यहाँ से मत जाओ, दूर मत जाओ।
एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और जो सभी लोग हैं यानी स्कूल के जो सभी बच्चे हैं और सब हैं वो सब अच्छा बिहेव करेंगे तुम्हारे साथ, एवरीबडी वुड बी नाइस, सभी अच्छे होंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी वू वॉज नॉट नाइस, और जो पैगी है और मैडी हैं, यानी मैडी अपने बारे में बात कर रही है कि शी एंड पैगी यानी मैं और पैगी वुड फाइट एनी बडी वू वॉज नॉट नाइस, कि हम किसी से भी फाइट करेंगे या चाहे कोई भी हो उससे हम लड़ाई करेंगे अगर उसने अच्छा बिहेव नहीं किया यानी वो नाइस नहीं हुआ वांडा के साथ। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, जो दो लड़कियां थी वो जल्दी जल्दी जा रही थी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो ऐसी होप कर रही थी, ऐसी विश कर रही थी कि वो अंधेरा होने से पहले हिल के टॉप पे पहुंच जाएं जहाँ पे वांडा रहती है। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोनोस्किस लिव, सैड मैडी। अब मैडी ने कहा कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि वेयर द पेट्रोनोस्किस लिव, कि वो वही वही जगह है जहाँ पे पेट्रोनोस्किस रहते हैं। पॉइंटिंग टू द लिटिल व्हाइट हाउस, उसने छोटे जो व्हाइट हाउस है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, थिन किटन्स जो होता है छोटे छोटे जो बिल्ली के बच्चे होते हैं। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, सो विस्प मीन्स होता है जो गुच्छे होते हैं घास के, ओल्ड ग्रास मीन्स जो पुरानी घास होती है, और स्टक अप मीन्स होते हैं जो वहाँ पे खड़े हों, स्टक अप मीन्स खड़े हों। हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे, सो विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, जो पुरानी घास के गुच्छे होते हैं वो इस तरीके से खड़े हुए थे यहाँ वहाँ, जो पगडंडी थी पाथवे मीन्स जो पतली पगडंडी होती है, जो पतला रास्ता होता है, फुटपाथ होता है जहाँ से वो चल के जा रहे हैं, लाइक थिन किटन्स। तो वो घास के जो गट्ठर थे, घास के जो गुच्छे थे, वो इस तरीके से लगे हुए थे जो फुटपाथ है उसके दोनों ओर, जैसे कि कोई छोटे बिल्ली के बच्चे हैं वो खड़े हों। द हाउस एंड इट्स स्पर्स, स्पर्स होता है जो छोटा, स्पर्स लिटिल यार्ड, स्पर्स मीन्स होता है जो इन एडिक्वेट हो या बिल्कुल छोटा सा हो, स्लिम सा हो। द हाउस एंड इट्स स्पर्स लिटिल यार्ड, घर और उसका जो छोटा सा बिल्कुल स्लिम सा यार्ड था, यानी जो घर के आउटसाइड का एरिया होता है, उसके जो आंगन होता है, लुक्ड शैबी, वो शैबी लग रहा, शैबी होता है डर्टी, वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। लुक शैबी बट क्लीन, वो गंदा लग रहा था पर वो क्लीन था, यानी वो दिखने में अच्छा नहीं था, भद्दा था वो, बट क्लीन, पर साफ तो किया हुआ था उसे। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन रेड, अब इसको आंगन को देख के, यानी कि जो शैबी भी है और क्लीन भी है, यानी वो भद्दा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है, डर्टी भी दिखता है, पर वो क्लीन भी है, साफ भी किया हुआ है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, इससे मैडी को वांडा की एक ड्रेस का रिमाइंड हो गया, यानी उसकी याद आ गई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो हल्के कलर की जिसका रंग उड़ा हुआ था, ब्लू कॉटन ड्रेस थी उसकी, यानी नीले रंग की जो सूती उसकी ड्रेस थी, शैबी बट क्लीन, वो भी शैबी थी यानी अच्छे नहीं दिखती थी पर वो साफ थी। देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, अब घर के आसपास लाइफ का कोई भी निशान नहीं था, यानी कोई भी वहाँ पे है ऐसा नहीं पता लग रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देर वॉज नो आंसर, पर कोई भी आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, अब दो वो मैडी और जो पैगी हैं वो दोनों वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो घूमकर बैक यार्ड गई यानी पीछे से दरवाजे पर गई, एंड नॉक देयर, और वहाँ पे भी उन्होंने खटखटाया, नॉक किया वहाँ पे, स्टिल देर वॉज नो आंसर, अभी भी कोई आंसर नहीं आया। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोनोस्किस वर गॉन, अब इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं था कि जो पेट्रोनोस्की हैं वो जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो कैसे चीज़ों को बदल पाएंगे। मेक अमेंड्स होता है टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, यानी किसी का कुछ आपने बुरा कर दिया हो तो आप उससे माफ़ी मांगें और उसके लिए कुछ अच्छा सा कर दें, तो जो एक फीलिंग होती है आपको अच्छा फील होता है, तो उसके लिए कहा है कि हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, यानी वो इस चीज़ को कैसे चेंज कर पाएंगे, यानी अपना जो बिहेवियर था उसको उसको वो अंडू कैसे करेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब वो धीरे से वापस मुड़े एंड मेड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वापस अपने रास्ते पर आ गए जो नीचे जाता था पहाड़ी से नीचे। सो यहाँ पे पैगी और जो मैडी हैं वो दोनों एक हिल पर क्लाइम करके चढ़ के धीरे धीरे, और वो वांडा से मिलने आए हैं। पैगी तो का तो ये कहना है कि चलो देखते हैं कि वो किड यानी वो जो बच्ची है वो ये टाउन छोड़ के गई है या नहीं, और मैडी है वो ऐसा फील कर रही है कि उसे माफ़ी मांगनी है वांडा से, और वो उससे कहना चाहती है कि अब वो यहाँ से ना जाए या जो टाउन है वो छोड़ के ना जाए, स्कूल आए, और अब सभी उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, और अगर कोई नहीं करेगा तो पैगी और जो मैडी हैं वो दोनों उससे फाइट करेंगी। तो ये सब मैडी सोच रही है। सो वी विल कंटिन्यू
from here in next video.